वो दोनों गहरे दोस्त थे, दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दोस्त की बहन की इज्जत पर बनाई तो दूसरे दोस्त ने साथ देकर मेरठ में सरेआम दो लोगों को गोलियों से भून डाला। ये दोस्ती लंबे समय तक नहीं चली और एक दिन दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खिंच गई। और जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है, और ये अंजाम इस कदर खतरनाक हुआ कि 30 से ज़्यादा लोगों की लाशें बिछ गईं। चारों तरफ खून ही खून था। पुलिस भी परेशान थी, लेकिन गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रही थी। गैंगवार तभी थमी जब ये दोनों पुलिस के हाथों मारे गए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आज हम जी मीडिया के खास पेशकश दास्तान जुर्म में बात कर रहे हैं 1980 और 1990 के दशक में NCR और पश्चिमी यूपी में आतंक का पर्याय रहे महेंद्र फौजी और उसके दोस्त सतवीर गुर्जर। एक दिन महेंद्र फौजी की छोटी बहन महेंद्री मेरठ के किला परीक्षितगढ़ गांव पूठी अपनी ससुराल से अपने गांव मेवला भट्टी पहुंची। वहां उसने महेंद्र फौजी से मिलकर जो दास्तान सुनाई, उसके बाद उसकी बहन ही नहीं खुद महेंद्र फौजी भी रोने लगा। दरअसल उसकी बहन ने ये बताया कि उसके गांव में बुंदू और मुनसन नाम के दो बदमाश लड़के हैं जो हिंदू महिलाओं पर बुरी नज़र रखते हैं। उन दोनों बदमाशों ने महेंद्री को चेतावनी दी कि अगर 20 दिन के अंदर वो खुद अपनी मर्जी से उनके साथ आकर न सोई तो वो उसको उठाकर फिर अपनी मनमर्जी करेंगे। ये बात सुनकर महेंद्र फौजी से रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त सतवीर को बुलाया और कहा कि हमारे जीने पर धिक्कार है अगर हम अपनी बहन की बेइज्जती का बदला ना ले सकें। सतवीर ने अपने दोस्त का साथ दिया। पुलिस रिकॉर्ड और प्रकाशित रिपोर्टों की माने तो इसके बाद सतवीर, महेंद्र फौजी, उसके चाचा और कुछ और लोगों ने पूठी गांव में जाकर संबंधित लोगों के घर पर उनको घेर लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। बुंदू और मुनसन इस हमले में मारे गए। उसके बाद फौजी और सतवीर फरार हो गए। साल 1982 दिल्ली में एशियन गेम्स के साथ ही लोनी के इलाके की जमीनों के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए थे। सतवीर और महेंद्र फौजी के पास कुछ खास काम नहीं था। ऐसे में सतवीर ने जगमाल चेयरमैन से संपर्क किया जिसको वो अपना गुरु मानता था। कहा जाता है कि जगमाल चेयरमैन का उस समय लोनी में खासा दबदबा था और वो एक बाहुबली नेता के तौर पर उभर रहा था। उसने दोनों को सलाह दी कि वो उसके साथ प्रॉपर्टी के धंधे में सहयोग करें तो उनको पैसा भी मिलेगा और वो खुद दोनों को संरक्षण देगा। दोनों का कारोबार जगमाल के साथ शुरू हो गया। इस दौरान जगमाल की दूसरे पक्ष राशिद अली के साथ दुश्मनी भी बढ़ती गई। दोनों ओर से आए दिन मारपीट और हिंसा की शिकायतें पुलिस तक पहुंच रही थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस भी ज़्यादा दखल नहीं दे रही थी। एक दिन महेंद्र फौजी ने अपना पैसा जगमाल से मांगा तो जगमाल उस समय हो सकता है किसी और बात पर नाराज बैठा हो, उसने महेंद्र फौजी को लताड़ कर भगा दिया। महेंद्र फौजी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने जगमाल को चेतावनी दी कि अगर उसने फौजी का मेहनत का पैसा नहीं लौटाया तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जगमाल ने भी उसको जवाब दिया कि अगर तुम मेरे इलाके में दोबारा दिख गए तो तुम खुद जिंदा नहीं बचोगे। इसके बाद चेयरमैन जगमाल और महेंद्र फौजी के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। कहा जाता है कि महेंद्र फौजी ने जगमाल के विरोधी राशिद अली से हाथ मिला लिया और एक दिन मौका मिलते ही महेंद्र फौजी के गैंग ने चेयरमैन जगमाल को मौत के घाट उतार दिया। चेयरमैन जगमाल की हत्या के बाद एक ओर तो पुलिस महेंद्र फौजी को तलाश रही थी और दूसरी ओर बावला घूम रहा सतवीर खुद उसको तलाश रहा था। इस दौरान महेंद्र फौजी ने सतवीर गुर्जर के परिवार पर हमला किया। कहा जा रहा है कि सतवीर गुर्जर ने भी महेंद्र फौजी के परिवार पर हमला, कई लोग घायल हुए। इस दुश्मनी में कई लोग मारे भी गए। ये दुश्मनी बढ़ती गई और एक दिन मौका मिलते ही महेंद्र फौजी के संरक्षक
राशिद अली को उसके कई साथियों के साथ लोनी के इलाके में एक चौराहे पर घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया। कहा गया कि यह हमला खुद सतवीर गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था ताकि महेंद्र फौजी को सबक सिखाया जा सके। राशिद अली की हत्या के बाद महेंद्र फौजी को अब तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो उसको संरक्षण दे सके। उसकी नज़र तब उभर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता तक पहुंची। वहां उसने संरक्षण प्राप्त भी कर लिया, लेकिन इस बीच सतवीर गुर्जर का होल्ड अपराध जगत में महेंद्र फौजी से ज़्यादा हो चुका था। उसकी दोस्ती भी दादरी इलाके के तब के विधायक के भाई से हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक का आशीर्वाद भी उस समय सतवीर गुर्जर के साथ था। सतवीर और महेंद्र फौजी के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती जा रही थी। 1991 में वो दिन भी आया जब राजवीर भाटी को उसके ही इलाके दादरी में मौत के घाट उतार दिया। उस हत्याकांड में सीधे तौर पर महेंद्र फौजी का नाम आया था। राजवीर एक विधायक का भाई था, इस पर कार्रवाई तो होनी थी। फौजी की तलाश पुलिस के द्वारा की जाने लगी। फौजी फरार हो गया। एक तरफ पुलिस का डर, दूसरी ओर सतवीर गैंग के हमले की आशंका। इसके बीच फौजी छिप छिप कर रहने लगा, लेकिन वो भी एक मौके की तलाश में था। 13 सितंबर 1992 की शाम दादरी इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर तत्कालीन विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गई। महेंद्र भाटी की हत्या में हालांकि बाद में पूर्व मंत्री टीपी यादव समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन पुलिस के अंदरूनी सूत्र ये भी कहते हैं कि हत्या में शामिल लक्कड़पाला को महेंद्र फौजी का संरक्षण था। वो महेंद्र फौजी के गैंग का ही सक्रिय सदस्य था, लेकिन इस हत्याकांड में महेंद्र फौजी की नामजदगी सामने नहीं आई। महेंद्र भाटी की हत्या के बाद सतवीर गुर्जर बौखला गया। उसको लगा कि महेंद्र भाटी के जाने के बाद उसको संरक्षण देने वाला या सहयोग करने वाला अब कोई बचा नहीं। उसने बदला लेने के लिए एक दिन महेंद्र फौजी को सबक सिखाने के लिए गाजियाबाद में हमला बोल दिया। उस हमले में एक पूर्व मंत्री के बहनोई की हत्या हो गई। उसके बाद भी कई लाशें गिरी। महेंद्र फौजी और सतवीर गुर्जर के बीच लगातार गोलियां चल रही थीं। उसमें पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कम से कम 30 लोग मारे गए, हालांकि इसकी संख्या उससे भी ज़्यादा थी। सतवीर गुर्जर ने महेंद्र फौजी को सबक सिखाने के लिए उसको सहयोग करने वाले कई लोगों पर हमला किया। गाजियाबाद के राजनगर में उसने एक राजनेता के बहनोई की भी सरेआम हत्या कर दी। इसके अलावा भी कई लोग इस हमले में अलग अलग मारे गए। महेंद्र फौजी की ओर से भी हमले हुए। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि कुल जमा दोनों ओर से 30 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई। अब सतवीर गुर्जर के ऊपर कोई संरक्षणदाता नहीं था, लेकिन महेंद्र फौजी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। इसके चलते सतवीर गुर्जर को यूपी छोड़कर दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। समय बीतता गया। 1994 आया जब एक दिन हरियाणा बॉर्डर पर जहांगीरपुर थाने के इलाके में बुलंदशहर पुलिस से महेंद्र फौजी की मुठभेड़ हो गई और महेंद्र फौजी मारा गया। पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा तक में जिसके नाम का खौफ था, वो अचानक से बहुत ही आसानी से पुलिस के हाथ और मुठभेड़ में मारा जाए, इस बात को लेकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। महेंद्र फौजी की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उस समय भी उठे थे और आज भी उसके गांव वाले उठाते रहते हैं। उनका आरोप था कि एक नेता के कारण महेंद्र फौजी पुलिस के हाथों मारा गया। दरअसल महेंद्र फौजी उस समय बीमार था और वो अपने इलाज कराने के लिए हरियाणा जाना चाह रहा था, लेकिन इस बीच मुखबरी की गई और पुलिस के हाथों महेंद्र फौजी मारा गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसको मरवाने में सतवीर गुर्जर का भी सहयोग था। 1997 में सतवीर गुर्जर भी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सतवीर गुर्जर के मारे जाने के बाद दोनों के बीच
जो गैंगवार चली आ रही थी वो थम गए। 1997 में दिल्ली पुलिस के साथ एनकाउंटर में सतवीर गुजर मारा गया। इसके साथ ही महेंद्र फौजी और सतवीर गुजर गैंग के बीच चली आ रही गैंग वॉर भी थम गई। दो दशक बीत गए हैं लेकिन आज भी पश्चिमी यूपी के लोनी, गाजियाबाद और ग्रामीण इलाकों में महेंद्र फौजी और सतवीर गुजर की दोस्ती और उनकी दुश्मनी को लेकर तमाम तरह के कहे अनकहे किस्से सुनाए जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसे ही किस्सों को आपके साथ साझा किया। मुझे दीजिए इजाज़त, दास्तान जुर्म की अगली कड़ी में हम ऐसा ही कुछ कहे अनकहे किस्से लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।